अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय एआर। आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। व्हेन अ बर्ड पुशेस द एयर डाउनवर्ड, रिएक्शन फोर्स कीप्स इट अपवर्ड एज शोन इन फिगर। यानी रिएक्शन और एक्शन जो हैं डायरेक्शन में अपोजिट और मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं। इसी तरह जब आप पानी को पीछे की तरफ पुश करते हैं तो रिएक्शन के तौर पर पानी आपको आगे की तरफ लेकर जाता है, जिसके नतीजे में आप चलते हैं। ऐसे जब साइकिल को आप चला रहे हैं तो आप साइकिल के टायर पर जो फोर्स लगाते हैं वो पीछे की तरफ रिएक्शन करती है, उस रिएक्शन के नतीजे में साइकिल आगे की तरफ चल कर जाती है, जैसा कि आप शक्ल में देख रहे हैं। अब अगर आप ज़मीन पर रिएक्शन फोर्स लगाते हैं तो ज़मीन पीछे की तरफ क्यों नहीं जाती, तो इसकी वजह आप समझ गए होंगे, क्योंकि ज़मीन का मास बहुत ज़्यादा है इसलिए ज़मीन आगे की तरफ नहीं जाती बल्कि साइकिल आगे की तरफ चल के जाती है। अब हम आते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ये दो यानी बातों को एक्सप्लेन करता है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स को। एक्शन क्या होता है, जब कोई चीज़ किसी, फॉर एग्जांपल गेंद है, गेंद को हम दीवार के ऊपर स्ट्राइक करवाते हैं तो गेंद का दीवार के ऊपर लगना वो उसको एक्शन कहेंगे, और उसके नतीजे में जो गेंद के ऊपर फोर्स लगेगी वो रिएक्शन की फोर्स कहलाती है। तो न्यूटन थर्ड लॉ जो है ये दरअसल इसी स्टेटमेंट को ही एक्सप्लेन करता है फॉर्मल तरीके से। देखते हैं न्यूटन थर्ड लॉ क्या है। टू एवरी एक्शन, हर एक्शन के लिए देर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये जस्ट उसकी स्टेटमेंट है, फॉर्मल स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट मीन्स दैट इन एवरी इंटरेक्शन, इंटरेक्शन से मराद यहाँ होता है किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना या रिपेल करना। देर इज अ पेयर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन द टू इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स। पेयर का मतलब जोड़ा है, कहता है कि हमेशा एक जो फोर्सेज का पेयर जो है वो एक्ट अपॉन होता है दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। द साइज ऑफ द फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इक्वल द साइज ऑफ द फोर्स ऑन द सेकंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात कर रहा है, यानी जो फोर्स की साइज है या फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है और सेकंड ऑब्जेक्ट का उसके इक्वल होता है, दोनों ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम होती है। दूसरी बात जो है, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द सेकंड ऑब्जेक्ट। जबकि पहले ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्स दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्स के अपोजिट होती है। और तीसरी बात, फोर्स ऑलवेज कम इन पेयर, फोर्स हमेशा जोड़े की शक्ल में होगी, इक्वल एंड अपोजिट। एक्शन रिएक्शन फोर्स जो है वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट रहेगी। और तीसरी बात भी यहाँ पर बड़ी काबिल गौर है, जैसे हमने यहाँ दो बातें बयान की हैं। पहली बात के अंदर हमने ये बयान जारी किया कि जो फोर्स की मैग्नीट्यूड है जितनी एक ऑब्जेक्ट दूसरे पर लगाता है उतनी ही दूसरा ऑब्जेक्ट पहले पे लगाएगा। अब मैं इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल अर्थ है, ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर एक किलोग्राम का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो अगर एक किलोग्राम ऑब्जेक्ट ज़मीन के ऊपर एक न्यूटन फोर्स लगा रहा है तो एक न्यूटन फोर्स ही ज़मीन उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहा होगा। यानी इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि ऑब्जेक्ट का मास कितना है, यानी एक किलोग्राम मास और ज़मीन का मास, आप जानते हैं कि ज़मीन का मास 6×10^24 किलोग्राम है, जो कि बहुत ज़्यादा मकदार में होता है। लिहाजा यहाँ एक्शन और रिएक्शन पेयर जो होता है वो हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है। दूसरी बात यहाँ बयान की कि डायरेक्शन सेम होगी, यानी अपोजिट होगी, यानी अगर जो एक किलोग्राम ऑब्जेक्ट है वो ज़मीन पर फोर्स डाउनवर्ड लगा रहा है तो ज़मीन उसके ऊपर फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रही होगी। और तीसरी बात जो यहाँ पर बयान करनी है वो ये है कि उनके टाइम का इंटरवल भी सेम होता है, यानी जितनी देर के लिए एक्शन की फोर्स एक्ट अपॉन होती है ऑब्जेक्ट के ऊपर बिल्कुल उतनी देर तक ही जो है रिएक्शन की फोर्स एक्ट अपॉन होती है, और एक्शन के ख़त्म होते ही रिएक्शन फोर्स भी ऑटोमेटिकली जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो एफ ए बी इक्वल है मैंस एफ बी ए, यानी जो फोर्स ए ऑब्जेक्ट बी पर लगा रहा है वो उस फोर्स की इक्वल है और अपोजिट है जो फोर्स बी ए के ऊपर लगा रहा होता है। नोट, एक्शन एंड रिएक्शन आर जस्ट फोर्सेज, ये जस्ट फोर्सेज होती हैं। दी फोर्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स, ये हमेशा जोड़े की शक्ल में होगी। एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी, ये कभी एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट ऑन नहीं हो सकती। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज बट साइमल्टेनियसली, ये बात जो मैंने टाइम की बयान की थी
यानी एक ही वक्त में जो है असरअंदाज हो रही होती हैं, लग रही होती हैं। देर इज नो काज इफेक्ट रिलेशन एज इट इज मिसकंसेप्शन, और यहाँ पर किसी किस्म का कोई काज या इफेक्ट रिलेशन उनके दरम्यान नहीं पाया जाता। दो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट दे डू नॉट प्रोड्यूस इक्वल एक्सेलरेशन इन द टू बॉडीज डिफरेंट मासेस ऑन विच दे एक्ट, यानी ये कोई जरूरी नहीं है कि उनमें एक्सेलरेशन भी सेम होगा क्योंकि दोनों के मासेस डिफरेंट हैं, तो इसलिए एक्सेलरेशन का बराबर होना कोई जरूरी नहीं है इन दोनों फोर्सेज के लिए। इसकी हम एग्जाम्पल और जो है न्यूटन थर्ड लॉ की एप्लीकेशन देखते हैं क्या है। ये सामने आपके स्प्रिंग बैलेंस दिखाया गया, ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है इस पर यानी राइट वर्ड, और ये लेफ्ट वर्ड फोर्स लगा रहा है, और रीडिंग देखें यहाँ पर आप गौर करें तो रीडिंग आपको नज़र आ रही है कि ये जीरो है। दोनों स्प्रिंग के ऊपर आप रीडिंग जो है ज़रा गौर कर लें तो आपको नज़र आ रही जीरो। ये मैं इसको सर्कल कर देता हूँ यहाँ, यानी फोर्स लगाने से पहले जो दोनों स्प्रिंग बैलेंस हैं उनकी रीडिंग जो है वो जीरो आ रही है, ये बात आपको क्लियर नज़र आ रही है जी। तो इसमें आप देखें कि दोनों स्प्रिंग बैलेंस जो हैं वो जीरो पोजीशन पर हैं। अब जब हम इनके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो आप देखेंगे कि दोनों फोर्सेज इक्वल और अपोजिट होंगी डायरेक्शन के अंदर। ज़रा गौर कीजिएगा दोबारा, ये आपके पास स्प्रिंग बैलेंस हैं, इन पे अभी हमने फोर्स नहीं लगाई तो ये जीरो लेवल शो करवा रहे हैं, और जो ही फोर्स लगाएंगे देखें इन पे कितनी फोर्स एक्ट अपॉन होगी। अब इधर देखें हमने एक्शन की फोर्स जो है वो लगाई तकरीबन 58 जो है यानी ग्राम वेट, इसको लिखा हुआ है ग्राम वेट के बराबर लिखा है, तब आप देखें यहाँ पर ये 58 पे पहुँच गया, ये भी 58 पे पहुँच गया, यानी दोनों जो स्प्रिंग बैलेंस हैं वो 58 यानी इक्वल और अपोजिट फोर्स जो उन पे लगी, यानी इसको हम कहेंगे एक्शन, यानी इस हाथ ने उसको खींचा है, दूसरा हाथ अपनी जगह पर ही है, लेकिन आप देखें दोनों पे बराबर फोर्स जो है वो एक्ट अपॉन हो गई है। ज़रा दोबारा देख लें, ये शुरू में पोजीशन है जब फोर्स एक्ट अपॉन नहीं हो रही, तो जो ही हम इस पर फोर्स लगाते हैं तो इक्वल और अपोजिट फोर्स जो हैं वो हमेशा मैग्नीट्यूड में सेम होती हैं। एक और एग्जांपल देखें, ये सामने आपकी दीवार नज़र आ रही है, इस दीवार के ऊपर अगर हम किसी गेंद को स्ट्राइक करें, ये गेंद है फॉर एग्जाम्पल, जब हम इसको इसके ऊपर थ्रो करते हैं तो ज़रा दोबारा देखें कि जैसे गेंद इसके ऊपर थ्रो की जाती है तो ये गेंद का दीवार के ऊपर लगना एक्शन कहलाता है, और दीवार से वापस पलट कराना जो है वो रिएक्शन फोर्स कहलाती है। तो यूँ आप देखा कि एक्शन और रिएक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं लेकिन मैग्नीट्यूड में बराबर और सेम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक्ट अपॉन हो रहे होते हैं। दूसरी एग्जाम्पल और देखें, ये हमारे पास यानी इसको हम बुलेट और गन की एग्जाम्पल कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक गन है, इसके अंदर जो है बुलेट होगी, तो जब हम इसको फायर करेंगे तो देखें कि जो बुलेट है वो आगे को जाएगी और रिएक्शन के तौर पर जो है ये राइफल जो है पीछे को रिकॉयल होगी, जिसको हम रिकॉयल वेलोसिटी का नाम भी ज़रा गौर कीजिएगा। यहाँ पर दोबारा ज़रा गौर करें, ये इसकी पोजीशन ज़रा देख लें पहले कि कहाँ पर है ये राइफल। तो जो ही ये फायर किया जाता है तो राइफल जो है पीछे को रिकॉयल होती है और जो बुलेट है वो आगे को जाती है। दोबारा देख लें, दोबारा एक दफ़ा और ऑब्जर्व करें कि ये कैसे रिएक्शन हो रहा है, यानी ये जो गन है ये पीछे को रिकॉयल होगी और बुलेट आगे जा रही है, तो जो रिएक्शन फोर्स है वो पीछे को अमल कर रही है और जो एक्शन फोर्स है वो आगे को है, इसको हम रिकॉयल ऑफ गन का नाम भी देते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन क्या है, ये एक और एग्जांपल देखें गुब्बारे वाली, दोबारा देखें इसके अंदर टारगेट गुब्बारा जो है उसमें से हवा जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और गुब्बारा जो है आगे को हरकत कर रहा है, तो इसमें जो हवा का पीछे को निकलना ये एक्शन है और रिएक्शन के तौर पर जो गुब्बारा है वो आगे को जाता हुआ दिखाई दिया गया। ऐसे ही हमारे पास मिसाइल या रॉकेट की एग्जाम्पल लें, तो इसमें जो हमारा रॉकेट या मिसाइल है जब उसको हम छोड़ेंगे तो ये गैसेस जो हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी बाहर की तरफ को, और रॉकेट जो है ऊपर तरफ को जाएगा। ये देखें, तो ये एक्शन और रिएक्शन दोबारा ऑब्जर्व करें, एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो है कैसे एक्ट ऑन हो रही है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हम जब चलते हैं तो हम किस तरह जो है ये हमारा अमल होता है। इसमें एक जो है चलने का अमल मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो इसमें देखें, ये हमारा जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट अपॉन हो रहा है और ज़मीन का रिएक्शन जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। जब हम अपने पाँव से ज़मीन को पीछे की तरफ यानी फोर्स लगाते हैं, जिसको हम एक्शन फोर्स का नाम देते हैं, तो रिएक्शन जो है उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट अपॉन होता है। जबकि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन जो होगा उसमें वो एक वजन को बैलेंस करेगा जिसको डब्ल्यू के बराबर लिया जाएगा, तो रिएक्शन वर्टिकल कंपोनेंट। अब हम इसको रिजॉल्व करके एक्सप्लेन करते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स, तो ये हमारे पास जो रिएक्शन फोर्स है
ये इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा जो कि फॉरवर्ड मोशन की डायरेक्शन में एक्ट अपॉन होगा। अब एक और एग्जांपल देखें, इसमें एक आदमी जो है कश्ती के अंदर खड़ा है, तो जो ही ये कश्ती से जंप लगाता है तो कश्ती जो है बैकवर्ड मूव करती है, क्योंकि जो ही इसने फोर्स लगाई आगे की तरफ तो ये एक्शन के तौर पर आगे चला गया, और जो रिएक्शन के तौर पर जो कश्ती है वो बैकवर्ड मूव। देखें ज़रा, ये दोबारा ज़रा गौर करें, जो ही इसने जंप लगाया यहाँ से तो जंप लगाते ही जो कश्ती है वो बैकवर्ड हरकत में आई और जो वो आदमी है जो आगे की तरफ मूव कर गया। ऐसे ही हमारे पास ये एक यानी घोड़े और तांगे की एग्जाम्पल जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होती है, ये बात का तो हमारे यानी एमसीक्यू के तौर पे या शार्ट क्वेश्चन आ जाता है। हॉर्स एंड कार्ड प्रॉब्लम। ए हॉर्स इज अर्ज टू पोल ए कार्ड, द हॉर्स रिफ्यूज टू ट्राई, साइटिंग न्यूटन थर्ड लॉ हैज हिज डिफेंस। The pull of me on the cart is equal but opposite to the pull of the cart on me. If I can never exert a greater force, action and reaction are always equal on the cart, then it exerts on me. How can I ever set the cart moving? Ask the horse. How would you reply? तो सवाल किया गया कि घोड़ा जो है वो तांगे पे फोर्स लगा रहा है, और जो तांगा जो है कार्ट जो है वो घोड़े पे फोर्स लगा रहा है, तो फिर वो हरकत में कैसे आ जाता है? सवाल का जवाब दें तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। व्हेन व्हाई डू नॉट यू एजुकेट द हॉर्स प्रॉपरली, कि उसने कहा आपने हॉर्स को क्यों नहीं समझाया हुआ, तो ये तो सिर्फ जस्ट क्वेश्चन के तौर पे उसने पूछा है। तो देखें इसके अंदर क्या होगा कि ये डब्ल्यू सी यानी इसका यानी जो कार्ड है इसका सेंटर ऑफ मास का वजन है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट अपॉन हो रहा है, और ये उसका रिएक्शन होगा जमीन का जो उसको जमीन के ऊपर रखता है। रिएक्शन आर सी ऑन द कार्ड ऑफर्ड बाई द ग्राउंड मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू द वेट ऑफ द कार्ड। ये फोर्स है जो घोड़ा जो है इस पॉइंट के ऊपर लगा रहा है, यानी जिसको हम सेंटर ऑफ मास भी कह सकते हैं इस कार्ड का, तो इस पॉइंट के ऊपर जो है टी एच सी यानी हॉर्स का जो है एक्शन फोर्स जो है अमल करेगा, और इसके ऊपर जो टेंशन की फोर्स है वो बैकवर्ड अमल करेगी इसके ऊपर। रिएक्शन पुल ऑफ द कार्ड ऑन द हॉर्स इज टी सी एच मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू द फॉरवर्ड पोल ऑफ द हॉर्स ऑन द कार्ड। तो यानी रिएक्शन पोल जो है कार्ड का और हॉर्स का दोनों बराबर हैं मैग्नीट्यूड में। इफ द हॉर्स पुश द ग्राउंड इन स्लेंटिंग मैनर एक्शन के तौर पे, द रिएक्शन ऑफर्ड बाय द ग्राउंड इज रिजॉल्वड इनटू वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो जो घोड़ा है जब वो पुश करेगा ग्राउंड को एक्शन की सूरत में, तो रिएक्शन जो ऑफर्ड होगा ग्राउंड का वो रिजॉल्व करेंगे हम दो कंपोनेंट्स में, एक को हम वर्टिकल और एक को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का नाम देंगे। तो ये देखें, ये आपके सामने ये घोड़े का एक्शन दिखाया जा रहा है, इस एक्शन का जो रिएक्शन फोर्स है ये है। अब हम एक्शन को रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में, एक कंपोनेंट जो है वर्टिकली ऊपर की तरफ अमल कर रहा है और दूसरा जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। अब फोर्स की जो कुल मिकदार एक्शन यहाँ पर लग रही है उसका कुछ हिस्सा जो है वो यानी इसके वजन को बैलेंस करेगा, और कुछ हिस्सा जो है उसको हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मूव करवा देता है। ये डब्ल्यू एच है यानी जो नीचे की तरफ अमल कर रहा है, हॉर्स का वेट है वो इसके एक्शन के वर्टिकल कंपोनेंट के कुछ हिस्से को बैलेंस करेगा, और एक्शन का रिमेनिंग हिस्सा जो हॉर्स को आगे की तरफ मूव करवाता है। द वर्टिकल कंपोनेंट वी मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू द वेट ऑफ द हॉर्स, जिसको डब्ल्यू एच से जाहिर किया गया। लिहाजा जैसे ही एक्शन इसके ऊपर होगा तो ये कार्ड जो है आगे की तरफ हरकत करना शुरू कर देगा। इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज ग्रेटर देन द फ्रिक्शन एफ, देन द हॉर्स कार्ड सिस्टम विल मूव फॉरवर्ड विद एक्सलरेशन। जैसे ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा होगा तो कार्ड जो है आगे की तरफ हरकत करना शुरू कर देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका बेनिफिट हो सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।